सभी किसान भाइयों को नमस्कार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस डिजिटल एग्जीबिशन में। और आज हम लोग जानेंगे कुबोटा एमयू 5501 के बारे में। तो आइए चलिए चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे इंजन के बारे में। कुबोटा के एमयू 5501 के ट्रैक्टर में ECDS तकनीक से लैस 4 सिलेंडर वाला सबसे किफ़ायती और सबसे दमदार 4 सिलेंडर वाला इंजन दिया गया है, जो कि 2434 cc या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि 2.4 लीटर वाला ताकतवर इंजन इसमें दिया गया है। आनंद जी, थोड़ा हमें ये ECDS तकनीक के बारे में विस्तृत से बताएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर डीजल इंजन या फिर जो हम डायरेक्ट इग्निशन इंजन जो बोलते हैं, उसमें जहां पर आप यहां पीछे देख सकते हैं जो नोजल होता है वो इंक्लाइंड होती है। ओके। सबसे पहले जानेंगे कि ECDS का मतलब क्या है। इसे कहते हैं इको सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। इस सिस्टम में जैसे कॉम्पिटेटर में होता है, नोजल जो है एक पर्टिकुलर एंगल में इंक्लिनेशन बन के लगाया हुआ होता है, जबकि कुबोटा में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए जो नोजल लगी हुई है 90 डिग्री के कोण में बिल्कुल सीधा लगा हुआ है पिस्टन हेड के ऊपर। इसका सबसे बढ़िया फायदा ये होता है कि जो डीजल का जो छिड़काव होता है पिस्टन हेड के कंबशन चेंबर के ऊपर वो पूरा होता है, जिससे हमें अच्छी ब्लास्ट या पूरी कंबशन मिलती है, जिसके कारण कम डीजल में भरपूर ताकत मिल जाता है। ये इसका फायदा है। ये तो काफी फायदे वाली बात है किसान भाइयों की। जी बिल्कुल, इससे डीजल की बचत बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है। दोस्तों, आपकी खेती लहराए और आपके जीवन में खुशियां आए, इसी बात के साथ मैं आपका दोस्त विनोद आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।